दोस्तों फाइनली लवीना लोध के हस्बैंड सुमित सबरवाल ने तोड़ी चुप्पी और उन्होंने के ऊपर जो एलिगेशन लगा था ड्रग्स का उसके ऊपर उन्होंने दी सफाई। जी हाँ, उन्होंने कहा कि लवीना लोध जो है वो अननेसेसरी ऐसे टाइम पे जो है इन फैमिली को ड्रैग कर रही है, केस बढ़ा रही है, मीडिया के सामने आ रही है, लाइमलाइट ले रही है, सिंपथी ले रही है और ये सारी चीज़ें जो कर रही हैं ये सिर्फ एक उनका पब्लिसिटी है एंड विच इज़ डेफिनेटली कॉस्ट हर अ लॉट क्योंकि पूरी फैमिली इनके ऊपर केस फाइल कर रही है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि महेश भट्ट, मुकेश भट्ट इनका लवीना से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनके हस्बैंड जो है वो उस कंपनी में भले विशेष फिल्म में काम करते हैं लेकिन वो इनके रिलेशनशिप में नहीं लगते। जी हाँ, उनका कोई लेना देना नहीं है। सुमित सबरवाल जो है उनका भट्ट के साथ सिर्फ ऐसे ही एक नाम का रिश्ता है बल्कि ऐसा कोई दूसरा रिश्ता नहीं है एंड भट्ट का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये कहीं ना कहीं उनकी रेपुटेशन और उनकी जो इज्जत है उसको ख़राब करने की कोशिश लवीना कर रही है, जो एक स्टंट और एक कैंपेन कहा जा रहा है विच इज़ वेरी रॉन्ग। और साथ ही में ये सब भी उन्होंने कहा कि उन्होंने जो नाम लिए हैं ड्रग्स वक्स को लेकर, उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ों पर जो है लवीना को जवाब देना पड़ेगा क्योंकि अब वो जो है लीगली वाइट जो है बैटल लड़ेंगे और लीगल बैटल लड़ने के बाद इसके बाद अब लवीना के ऊपर एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे केसेस हैं। भट्ट ने अलग केस किए हैं, मुकेश भट्ट और महेश भट्ट ने, कुमकुम सहगल ने अलग केस किया है, उसके बाद जो है अब सुमित सबरवाल उनके हस्बैंड है उन्होंने भी एक अलग केस किया है। अब इतने सारे केस हैं अगेंस्ट लवीना लोध। अब लवीना कौन से केस का कैसा जवाब देगी और अब ये चीज़ें किस तरीके से मैनेज होगी, हैंडल होगी, फिर वो तो वक्त बताएगा लेकिन अब सामने आके कोई कह नहीं रहा है, हर कोई अपने लॉयर के थ्रू स्टेटमेंट्स रिलीज कर रहे हैं। आप लोग मुझे बताओ दोस्तों, आपको क्या लगता है इस कहानी में कौन सच है कौन झूठ और इस कहानी का असली जो है अगर हम बात करें तो इसमें गलती किसकी है? आप लोग मुझे बताओ, आपको क्या लगता है, क्या वाकई लवीना जो है वो दो मिनट के फेम के लिए ये सारी चीज़ें कर रही है या फाइनली वो सच में इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई है और जो उनके हस्बैंड है और उनकी जो मैट्रियकल फैमिली है यानी कि सुमित सबरवाल और उनकी मॉम कुमकुम सहगल और ये सारे लोग, ये लोग सब लोग करप्ट है, ये सारे गिल्टी है। आप लोग मुझे बताओ कि आपको क्या कहना है, क्या आपको क्या लग रहा है इस पूरे केस के बारे में, नीचे कमेंट करके बताओ और साथ में आपके जो भी ओपिनियंस हैं दोस्तों वो भी आप बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सारे अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।